तो दोस्तों आज हम सगुन डीपीयू के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले डीपीयू को ऑन किया। सबसे पहले इसमें टाइम और डेट और दिन वगैरह आ जाएंगे। सबसे पहले हमें करना है एंटर। एंटर करते ही ये मेन स्क्रीन पर पहुंच जाएगा और इसके बारे में जानने के लिए हमें मेनू वाला बटन प्रेस करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट रिपोर्ट का। प्रिंट रिपोर्ट पर आप एंटर करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट समरी। शिफ्ट समरी में आप सुबह की या शाम की किसी भी शिफ्ट की मॉर्निंग समरी, जैसे कि 6-8 इवनिंग की मॉर्निंग की इवनिंग की समरी आप निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें नया डीपीओ में से इस वजह से कोई डाटा नहीं है, इस वजह से इसमें ये की पर्ची निकली है, वो मैंने अभी फीड की थी। इसमें ही प्रिंट रिपोर्ट में दूसरा ऑप्शन है मेंबर लीडर का। इसमें आप किसी एक किसान का बिल निकाल सकते हैं। मान लो हमें 10 कोड नंबर 10 का बिल निकालना है और हमें 1 से 5 तारीख तक का निकालना है, तो 1 तारीख कर लेंगे और इसे शिफ्ट जो है इवनिंग से हम कर लेंगे इसे मॉर्निंग, और इसे कर लेंगे 5 तारीख और इसे इवनिंग ही रहने देंगे, शाम तक का बिल निकालेंगे। जितना भी उसका डाटा होगा वो प्रिंट कमांड के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब प्रिंट रिपोर्ट में अगला ऑप्शन है आपका पेमेंट रजिस्टर। पेमेंट रजिस्टर में दोस्तों क्या होता है, पेमेंट रजिस्टर में क्या होता है कि आप सभी किसानों का बिल एक साथ निकाल सकते हैं। इसमें मान लो हमें सारे किसानों का बिल 1 से 5 तक का, 1 से 1 तारीख से लेकर, और ये मॉर्निंग शिफ्ट कर ली हमने, और ये 5 तारीख तक इवनिंग शिफ्ट करने के बाद कमांड दे देंगे, तो सारे किसानों का जितना का भी डाटा होगा इस डीपीयू में 1 से 5 में जितना भी दूध फीड किया होगा सबका जुड़ जुड़ के बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा है प्रिंट होने में। इस डीपीयू में किसी का डाटा नहीं है, इस वजह से कोई बिल नहीं निकला है। नया डीपीयू है, वहीं सारे बिल निकल आते हैं। अब इसी पेमेंट रिपोर्ट के अंदर एक अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट रिसिप्ट का। तो दोस्तों डुप्लीकेट रिसिप्ट में क्या होता है, किसी भी किसान की मान लो हमने पर्ची पहले निकाल दी लेकिन वो पर्ची हमसे खो गई या मिसप्रिंट हो गई या रोल ख़त्म हो गया, तो हमें दूसरी पर्ची निकालने की ज़रूरत पड़ती है उस कंडीशन में। तो हम डुप्लीकेट रिसिप्ट पर एंटर करेंगे। पहले किसान का कोड नंबर डालेंगे, 10 जैसे कि हमने डाल दिया, मान लो 1 कोड नंबर डाल दिया, और मान लो 6 तारीख का ही हमें 6 तारीख और 8 और इवनिंग में ही पर्ची निकाल दी है, तो वो जो किसान की पर्ची है वो आपके सामने होगी। ये देखो, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये है डिस्पैच नोट। डिस्पैच नोट में दोस्तों क्या होता है कि हमें सारे दूध की एवरेज फैट, एवरेज SNF, टोटल वेट और टोटल कैन जो हम प्लांट को भेजते हैं उसे फीड करेंगे। जैसे कि मान लो हमारी एवरेज फैट है 6.0, एवरेज SNF है 8.4 और टोटल वेट है हमारा 99,500 और टोटल कैन है हमारी 3। दोस्त जैसे एंटर करेंगे हमारी डिस्पैच नोट निकलेगा, उसका सारी एंट्री होगी। चलिए दोस्तों, सिग्नेचर भी कर सकते हैं, सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा इसमें। अब हम अगले ऑप्शन पर जाते हैं। प्रिंट के रिपोर्ट के नीचे ऑप्शन है ऐड मेंबर का। ऐड मेंबर में दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपसे कोड मांगा जाएगा,
किसी भी किसान का कोड, जैसे कि मान लो 111 डाल दिया हमने, पार्टी का नाम जो भी हो आप डाल सकते हैं वहाँ पर, उसका मोबाइल नंबर और रेट चार्ट। रेट चार्ट इसमें दोस्तों तीन पड़ते हैं, तीन रेट पड़ जाते हैं एक साथ, आप जिस भी किसान को जो रेट देना चाहो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसे डिफ़ॉल्ट R1 ही रहता है और जैसे एंटर करो नाम फीड हो जाएगा और ऑटोमेटिक अगले कोड पर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप जान लिया। अब है हमारा ऑप्शन अगला USV एक्सपोर्ट का। दोस्तों USV एक्सपोर्ट, इसमें USV नहीं लगा रखी है मैंने, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अगले ऑप्शन पर जाते हैं हम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन पर जाने के लिए एंटर करेंगे हम, सबसे पहला है सेट टाइम का ऑप्शन। इसमें आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं, पासवर्ड लगाना पड़ेगा पहले। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 होता है सगुंडी व्यू का। एड्रेस डेट, जो भी डेट आपको करनी हो, जैसे कि मान लो हमें 6 या 7 करनी है, जो भी डेट करनी है, और यहाँ जो भी महीना करना है, और यहाँ सन, और यहाँ दिन, और यहाँ टाइम। दोस्तों इसमें घड़ी जो है 24 घंटे फॉर्मेट में चलती है, तो आप 24 घंटे में चलाएँगे इसे। अगला है ऑप्शन इसमें फेडरेशन ऑफ रेंज का। फेडरेशन ऑफ रेंज में दोस्तों क्या करना है आपको, पहले पासवर्ड लगाएंगे। मिनिमम ये है काव के लिए, रेंज फॉर काव। तो इसमें मिनिमम फैट आप जितनी चाहें कम से कम वो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2.0 रखा हुआ है, आप चाहें तो इसे 0.0 भी कर सकते हैं। मैक्सिमम फैट इसमें आप जो रखेंगे वो 6.5 रखेंगे। काव की जो मैक्सिमम फैट है वो 6.5 तक ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। और ऐसे ही मिनिमम SNF 5.0 और मैक्सिमम SNF 10.0। ठीक है, और इसके बाद फिर जब अगला ऑप्शन आएगा तो बफेलो की रेंज आएगी। उसमें बफेलो की जो रेंज है वो मिनिमम फैट 6.6 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 12.0 तक चलती है। और मिनिमम SNF वही रहेगी सेम 5.0 और 10 और मैक्सिमम रहेगी 10.0। अब हमारा ऑप्शन है दोस्तों अगला सेट एनालाइजर का। सेट एनालाइजर पे आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे जैसे ही, तो आपको जो भी इस DPP मशीन लगानी है, जैसे इलेक्ट्रो स्कैन लगानी है 235 होती है, और एक इकोमिल्क अल्ट्रा होती है, आप उसे भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रो स्कैन भी 785 भी, हाँ जी भैया, इलेक्ट्रो स्कैन 785 है दोस्तों। ये मशीनों के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। और यह है तुम्हारा तीसरा और चौथा ऑप्शन मास्टर क्लासिक का, पाँचवा इंडीज और छठा EMP। इसमें जो मेन दोनों मशीन हैं वो हैं 235 और इकोमिल्क अल्ट्रा। ये दोनों मशीनें दोस्तों ज़्यादातर रनिंग में रहती हैं, आप जौन सी चाहें उस पर एंटर कर सकते हैं। अब यह अगला ऑप्शन इसमें बेटिंग स्केल का। बेटिंग स्केल इसमें ESI स्मार्ट, DG स्केल, प्रॉम्प्ट, फोनेक्स और रील के हैं। इसमें स्मार्ट वाला जो बेटिंग स्केल है वो कॉमन रहता है, और बाकी जो भी आपके पास बेट स्केल हो उसे ऑटोमेटिक करने के लिए इस पर कर सकते हैं एंटर। अगला ऑप्शन है दोस्तों सेट पासवर्ड का। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो और वो बंद करना हो, डिसेबल और इनेबल, दोनों काम यहाँ से होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन सेट प्रिंटर। सेट प्रिंटर इसमें डिफ़ॉल्ट प्रिंटर अंदर ही रहता है, तो इसमें सेट प्रिंटर पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑन रहना पड़ता है बस, ऑन है और CN ये रखना पड़ता है। ऑप्शन अगले दोस्तों अगले ऑप्शन पर जाते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हमारा सेट KG लीटर। दोस्तों आप पर्ची पर लीटर में देखना चाहें या फिर पर्ची पर लीटर में देखना चाहें या KG में, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लीटर में रहता है, दूध का काम में लीटर में होता है, तो लीटर में ही रखते हैं इसे। और अगला ऑप्शन है दोस्तों शिफ्ट टाइम का। शिफ्ट टाइम मतलब कितने घंटे कितने बजे आपकी जो है शिफ्ट चेंज हो जानी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट टाइमर टाइम 12 बजे का ही रहता है, और जबकि तुम्हारी ईको बॉन्ड में वो दिन के 2 बजे का रहता है, 14 बजे का। ठीक है दोस्तों, और इसका अगला ऑप्शन है कलेक्शन टाइप। दोस्तों ये मेन ऑप्शन है, आप इसे यहाँ से DPU को मैनुअल और ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि बेटिंग मैंने मैनुअल कर रखी है, इसे ऑटोमेटिक कर देंगे तो भजन ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे एनालाइजर ऑटोमेटिक कर देंगे तो भजन और वो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें कलेक्शन स्लिप का। कलेक्शन स्लिप लार्ज और स्मॉल का ऑप्शन होता है इसमें। जैसे कि आपको पर्ची छोटी चाहिए किसान की या बड़ी चाहिए, तो जो मेन डिफ़ॉल्ट है वो लार्ज ही रहता है। और दोस्तों अगले ऑप्शन पर जाते हैं हम, कलेक्शन पॉइंट।
कलेक्शन पॉइंट में आप डेयरी का नाम डाल सकते हैं, जो भी डेयरी का नाम डालना हो, और BMC जहाँ आपका प्लांट हो उस जगह का नाम, और कलेक्शन पॉइंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने गांव का नाम वगैरह। और यहाँ पे MPI में भी आप नाम, गांव का नाम या कुछ भी डाल सकते हैं, कोड पड़ेगा MPI में आपका, और मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। और दोस्तों अगले ऑप्शन पर चलते हैं हम, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन पर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे, उसमें सारी सेटिंग जो DPU की हमने कर रखी है वो सारी सेटिंग प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सारी सेटिंग बाहर आ गई आपकी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कैटल टाइप। कैटल टाइप इसमें काउ पे फेल हुआ, लेकिन हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो मिक्स ही रहता है हमेशा, तो आप इसे मिक्स पे ही रखेंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा, कैटल टाइप हो गया CLRAB वैल्यू, इससे आपका कोई मतलब नहीं। ऐसा ना फॉर्मेट, ये डबल डिजिट और सिंगल डिजिट का ऑप्शन होता है दोस्तों, लेकिन इसे हम सिंगल डिजिट पे ही रखते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में ही आज की डेट में काम करता है। दोस्तों SNF फॉर्मेट के बाद आपके तीन ऑप्शन और हैं, CLR राउंड ऑफ और अमाउंट राउंड ऑफ। इन्हें आप यस और नो कर सकते हैं। राउंड ऑफ का मतलब है पॉइंट के बाद जो आपका जो भी आएगा उसे वो राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप इसे एस के वाले बटन से चले जाएंगे, आपकी सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई। इसमें एक दोस्तों एक रेट सेटिंग है, इसमें रेट सेटिंग में आप रेट डाल सकते हैं, इसमें सारे के सारे रेट, डिडक्शन वगैरह सारी सेट कर सकते हैं इसमें, डेट वाले सेटिंग वाले में। लास्ट का ऑप्शन है दोस्तों इसमें फॉर्मेट मेमोरी का, इस पर आप एंटर करेंगे और इसमें जैसे ही पासवर्ड डाल देंगे आप, तो आप जा भी चाहें डिलीट ट्रांजेक्शन, डिलीट डेट वे, डेट वाइज, डिलीट ऑल, किसी एक का चाहें तो आप एक का यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं कोड नंबर डाल के। जैसे मान लो एक कोड नंबर की पर्ची एंट्री करनी है हमें 6 तारीख की, और तो आप डिलीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक कोड नंबर की हमारी एंट्री है 6 तारीख में ही है, ये तुम्हारा सन 2020 और इवनिंग, और इसमें कोई कलेक्शन नहीं है, इस वजह से ऑल भी कर सकते हैं आप, डेट वाइज भी कर सकते हैं, सब कुछ इसमें ऑप्शन है। तो दोस्तों ये आपकी थी पूरी जानकारी इस DPU के बारे में।